किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो चाल से। अरे मॉम हम बच तो जाएंगे ना। अरे हम नहीं बचेंगे। अरे आंटी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वो देखो चूचू चल जा रहा है। अरे बेटा चुप रहो कहीं वो हमारी आवाज़ ना सुन ले। अरे ठीक है मॉम। अरे तुम लोग तो यहाँ पर छुप के बैठे हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अरे नहीं ये तो यही आ गया। अरे मॉम ये कहीं हमें मार ना दे। सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। नहीं मेरे रहते तुम मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम इंसानों को मारने में कितना ज्यादा मजा आता है। सॉरी मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पेट भी तो भरना है अपना। क्यों सही बोला ना मोमो? बिल्कुल सही बोला। तुम जब से मेरी ड्राइवर बनी हो मेरी तो किस्मत ही पलट गई। अरे मॉम इसके अंदर तो शायद से मोमो भी है। आओ मेरे पास खत्म करूँ तुम सबको। चूचू चार्ल्स अभी भी कई लोगों को मारे जा रहा है। लॉस सैंटोस के कई लोग चूचू चार्ल्स की वजह से जख्मी भी हो रखे हैं। वो लोगों के पीछे पड़ रहा और उन्हें जान से मारे जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके साथ अंदर एक और कोई भूत या फिर मॉन्स्टर वगैरह है जिसे लोग मोमो के नाम से जानते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि आखिर अवेंजर्स कैसे इन्हें हराएंगे। कहाँ हो तुम आयरन मैन कुछ तो करो। अरे हर कोई मेरे ही मत्थे क्यों मार देता है यार सब कुछ। अरे यार आयरन मैन तुम टेंशन मत लो। गाइस चूचू चार्ल्स का कहर बढ़ता ही जा रहा है। उसे मारने के लिए तुम्हें उन अंडों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला। आखिर उन अंडों से हो क्या जाएगा? उससे तो उसकी ताकत ही बढ़ने वाली है ना। अरे तुम मेरी बात नहीं समझे। अगर हम चूचू चार्ल्स के अंदर वो तीनों अंडों की शक्तियाँ डाल दे तो वो हेल चार्ल्स बन जाएगा। पर वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा हेल चार्ल्स बन के। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। हेल चार्ल्स बनने के बाद वो ताकतवर तो बनता ही है लेकिन अगर हम उस वक्त उसके ऊपर कोई भी अटैक करेंगे तो वो उस अटैक को ठीक नहीं कर सकता। एक मिनट मतलब तुम कहना चाह रहे हो अगर वो हेल चार्ल्स बन जाता तो एक तरीके से वो अमर नहीं रहता उसको मारा जा सकता है। बिल्कुल सही बोला तुमने। उसके पास एक अंडा तो पहले ही पहुंच चुका है। इसका मतलब है हमें बस दो अंडे और ढूंढने हैं। अरे पर दो अंडे हम हवा में थोड़ी ढूंढ लेंगे यार। उसके लिए हमें उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि वो अंडे आखिर है कहाँ पर। अरे मुर्गी के पेट में है अभी कल सुबह तक निकल जाएंगे। तो अपना मुंह बंद रख ले थोड़ी देर के लिए। इसकी बातों पर कोई ध्यान मत देना। खैर तुम एक काम करो आइस गॉड और लावा गॉड तुम बता नहीं सकते क्या कि दो अंडे आखिर मिलेंगे कहाँ पर? अगर मैं लावा गॉड बनता हूँ तो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि उन अंडों की लोकेशन कहाँ है। अब बताओ कि आगे करना क्या है। ठीक है तो मैं जाकर के लावा गॉड बनता हूँ और मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा कि आखिर उसे मारना कैसे है। ये हुई ना बात। चलो ठीक है मैं बनता हूँ फिर तो लावा गॉड आ जाओ बाहर। हाँ चल चिंचल ले चल बाहर। अरे अभी लो आदम पदोड़ी पद्दू। कहो क्या काम है तुम्हें? एक सेकंड गाइस ये लावा गॉड में बदल गया। हमें आपकी मदद चाहिए इस मामले में कि हमें ये जानना है कि आखिर चूचू चार्ल्स को मारने के लिए हमें दो अंडे चाहिए वो मिलेंगे कहाँ पर? दो अंडे ठीक है मैं उन दोनों की लोकेशन तुम्हें बता देता हूँ। तुमने FIB की बिल्डिंग के बारे में सुना है? कौन सी बिल्डिंग FIB? अरे तो पुलिस वालों की बिल्डिंग होती है ना। अरे हाँ पर ये है कहाँ पर? अरे यार लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। अब देखो मेज बैंक की बिल्डिंग के जस्ट पीछे। अच्छा मेज बैंक की बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही FIB की बिल्डिंग यही है ना वो? हाँ यही है। इसी के नीचे तुम्हें ये जो ब्रिज सा दिख रहा है। हाँ ये फ्लाई ओवर टाइप है। इधर पे ही तुम्हें मिलेगा तुम्हारा दूसरा अंडा। इन कमरों में ढूंढो इन पार्किंग गैराजेस में ढूंढो कहीं ना कहीं तुम्हें यहीं पर मिलेगा। अब जल्दी से दूसरी लोकेशन बताओ। दूसरी लोकेशन ऐसी जगह पे है जो जगह हमें दूसरी दुनियाओं से जोड़ने में मदद करती है। एक सेकंड सैटेलाइट के पास। उन रिसीवर्स के ऑफिस के अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा तुम्हें। अंडरग्राउंड का मतलब क्या है? ये जो गेट देख रहे हो इसमें जाना पड़ेगा। इसमें जाने से क्या होगा? दिखाता हूँ। तुम उनके सर्वर के रूम में पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम्हें कई सारे लोग देखने को लेंगे जो काम कर रहे हैं और अंडा वही कहीं है लेकिन अब उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम है। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पे लावा गॉड मुझे लोकेशंस बता के। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब खैर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर तुम लोगों पे नजर रख रहा था मैं। बहुत मजा आएगा जब हम चूचू चार्ल्स को हेल चार्ल्स बना के पूरा लॉस सैंटोस खत्म करेंगे। अब हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे। मार डाला। अरे तो तुमने बहुत अच्छा किया लावा गॉड। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया फिर? ये तुम में से किसी ने किया क्या? अरे नहीं मैंने किया है। एक सेकंड अब तुम कौन हो? अरे आप लोग माफ करना ये भूत सबको परेशान कर रहा था इसलिए इसे मारने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं हूँ शेरिफ जॉन। अरे डिटेक्टिव जॉन एक बात बताओ पेनी वाइज को तुम जानते हो? अरे तुम टेंशन मत लो मेरे दादाजी कहते थे पेनी वाइज नाम का एक भूत होता है जो बहुत डरावना होता है। मैं उनकी बात को गलत साबित करके रहूंगा और मैं इसका शिकार करके रहूंगा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा अब मैं इसे ले करके जाता हूँ। हाँ इसे ले जाओ वरना ये भाग जाता है गायब हो करके। देखो वो भाग भी गया। अरे तुम लोग टेंशन मत लो उसे ढूंढ के रहूंगा। क्या लगता है वो कहाँ गया होगा? लोकेशंस मैं आपको भेज दूंगा आपका नंबर दे दो मुझे। ठीक है लिखो फिर। खैर तो फिर अब आप जा सकते हो। ठीक है चलता हूँ। तो गाइस अब हम अपनी पहली लोकेशन पे जाने वाले हैं पहले अंडे को निकालने के लिए। उससे पहले मेरे तीन गिनने तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अरे नहीं आप नहीं मैं गिनूंगा।
अच्छा ठीक है, चल तू गिन ले। ठीक है गाइस, तो मेरे तीन गिनते ही आपको लाइक का बटन दबाना है। तो 3, 2, 1। अरे वाह, ये हुई ना बात, आपने तो कमाल ही कर दिया, अब तो हम जल्दी से अंडा ले आएंगे। हां गाइस, बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ताकि ऐसे खतरनाक वीडियोस आपको रोज देखने को मिले। हां गाइस, बिल्कुल सही बोला। अरे ठीक है, तो फिर जल्दी से चलो। मैं क्या चलूं, तू पहुंचा दे। अरे पहुंचाता हूं, पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड, हम आ गए शायद से। अरे चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ शिनचैन, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सेकंड, ये बंदा जिंदा है कि मर गया, एक मिनट चेक करने दे। अरे गाइस, इसको तो मार के फेंका हुआ है यहाँ पर। भाई साहब गाइस, यहाँ तो काफी सारी लाशें देखने को मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर शायद से चूचू चास पहुंच चुका है। गाइस अब अंदर चलते हैं एक बारी, मेरे को तो लग रहा है अंदर ही कहीं पर छुपा पड़ा होगा सब कुछ। एक सेकंड, कितने सारे लोग मरे पड़े हैं यहाँ पर। बेटा मॉम, मैं आपको बचा लूंगा। एक सेकंड, ये लोग तो जिंदा है, प्लीज हमें मारना मत। अरे आप ठीक तो हो ना? मेरे को नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। अरे आप टेंशन मत लो शिनचैन, एक झटके में आपको एम्बुलेंस पहुंचा देगा। और तुम मेरे को बता सकते हो कि आखिर क्या हुआ क्या? ये एक अजीब सी ट्रेन थी जिसके बड़े बड़े दांत थे, वो यहाँ पर आया, उसने पहले सबको डराया और फिर उसने मुझसे कहा कि। क्या कहा उसने तुमसे? उसने कहा कि प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। अरे ठीक है जाओ छोड़ा, आखिर किसी को होना तो चाहिए जो ये बताए कि यहाँ पर तबाही मैंने मचाई थी। पर मेरी मॉम मर जाएंगी तुम्हारी वजह से। उनका मरना तो उनकी किस्मत में ही लिखा था। चलता हूँ। बहुत बुरे हो तुम। एक सेकंड, इतना सब कुछ हो गया क्या यहाँ पर? हाँ बहुत कुछ हुआ है। समझ गया बच्चे, एक काम करो शिनचैन, तुम इन्हें पहुँचाओ, मुझे भी पहुँचा दो प्लीज। एक सेकंड, ये किसकी आवाज है? पीछे पीछे। अरे पीछे कहाँ पर? अरे मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड, तुम हिल तो पा नहीं रहे हो अपनी जगह से। शायद से मेरी हड्डियाँ टूट गई है, हाथ और पैर दोनों की, पर मैं जिंदा हूँ, प्लीज मुझे भी पहुँचा दो हॉस्पिटल। अरे ठीक है, सबको पहुँचा देता हूँ जो भी यहाँ पर मर नहीं रहा है अभी। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, मैं तुमसे बड़ा हूँ शायद? अरे हाँ, मेरा मतलब वही है छोटे बच्चे। ये बताओ हिंदी में को क्या कहते हैं? कद्दू। इसी बात पे पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड, ये सब क्या था ये जो तूने अभी किया? अरे ऐसे ही बच्चे का मन बहला रहा था। अबे तो खुद बच्चा अभी, यानी तो अपना मन बहला पहले, फिर दूसरों का बहला ही हो। और अगर मैं आगे देखूं तो आगे चूचू चार्ल्स वगैरह, खैर यहाँ पर तो दिख नहीं रहा मुझे, इधर की साइड पर ही है, पर वो देखो गाइस वो रहा सामने, इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा नजर तो रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके आगे जाऊंगा। ये बात अच्छी है कि यहाँ कार्स वगैरह है, ये जरूर यहाँ पर अंडा लेने। यार शिनचैन तू भी जल्दी से क्रॉस कर ले, इससे पहले कि वो पीछे मुड़ के मेरे को देख ले। लगता है पीछे कोई है। अरे मैक्स भाई, वो तो यहीं की साइड आ रहा है। अरे शिनचैन चुपचाप बैठा रहा है, उसे हम दिखेंगे नहीं अगर हम यूं छुपे रहेंगे तो। अरे पर उसके ऊपर मोमो भी तो है। अरे वही तो, चुपचाप बैठे रहो, वो निकल जाएगा। आ गए गाइस, ये साइड से निकल रहा है, देखना ले बस मुझे। एक सेकंड चुप बैठता हूं एकदम। देखा मैंने कहा था ना कोई नहीं होगा। मुझे पर स्मेल तो आ रही है किसी और की, यहाँ पर इतनी सारी लाशें पड़ी है उन्हीं की आ रही होगी, लग तो नहीं रहा यहाँ पर कोई है। थोड़ा ऊपर चढ़ के देखता हूँ। अरे मैच था, यही सही मौका है। हाँ शिनचैन जल्दी आ जा इस साइड, भागते जल्दी से, इससे पहले कि वो पीछे मुड़ जाए। नहीं गाइस अभी नहीं मुड़ा पीछे। आ जाओ तुम दोनों भी, कहाँ रह गए? अरे आ ही रहे थे, आ गए। हाँ ये हुई ना बात। अब गाइस अंडा कहाँ ढूंढू यार मैं, अंडा मेरे को मिल नहीं रहा। एक तो ये कौन सी जगह है अब? अरे ये देखो ये क्या है? क्या क्या है? इधर की साइड। एक सेकंड चॉप, तूने देख लिया? अरे अन्नी तो क्या हुई, मैं इतना दिमागदार। अरे बात चॉप कमाल ही कर दिया। एक काम करते गाइस, फाइनली एक अंडा मिल गया। अरे पर अबे हमें अंडा देना तो चार्ल्स को ही है। अरे तो अभी थोड़ी दे देंगे यार, उसको अगर अभी दे दिया तो वो ताकतवर नहीं हो जाएगा? क्यों ना उसे लालच दे। क्या लालच, वैसे लालच देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उसको अंडा देंगे तो मोमो को ऑलरेडी बाहर आना ही पड़ेगा एक बार। ऐसा भी है क्या? और नहीं तो क्या, तेरे को ये बात पता नहीं थी क्या? अरे फिर तो अंडा अभी दे देना चाहिए हमें उसे। अभी देने के बाद हम करेंगे क्या पर? अरे अभी उसे अंडा पकड़ाते हैं और मोमो के ऊपर मैं अपना जहरीला जादू कर देता हूँ। खैर तेरा आइडिया वैसे बुरा नहीं है, क्यों ना गाइस हम मोमो को बाहर निकाले। ओह तो यहाँ से स्मेल आ रही थी तुम्हें। एक सेकंड, देखो चार्ल्स हम तुम्हें याद कर रहे थे। खैर हम तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर लेके आए हैं, देखो पीछे हमारी ये अंडा रखा हुआ है, इसे तुम ले सकते हो, मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तुम इतने अच्छे कहाँ से बन गए? इसी बात पे ये अंडा आपको पेश किया जाता है चूचू चार्ल्स। ये हुई ना बात, ठीक है निकलो बाहर मोमो, ये इन लोगों की चाल है। दो अंडों के बाद मुझे वैसे भी ड्राइवर की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और नहीं तो क्या, भागो यहाँ से। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम मुझे मत बताओ। अरे वाह लगता है कमाल होगा अब। हाँ, ये क्या हो रहा है शिनचैन? लगता है इसकी पावर्स बढ़ रही है। भाई साहब ये तो अनार की तरह निकल रहा अंडे में से। अब आएगा मजा। अरे वाह कमाल की शक्तियाँ मिल गई लगता है मुझे। पूरी जान से गहरी सांस लेके पा दो मेरी नाक। ये क्या किया तुमने? तुम्हें धोखा दिया और क्या। और एक और चीज, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है मेरे पास। फिर से वही? और नहीं तो क्या, ये लो। अरे उड़ा ही दिया मैक्स भाई। अरे शिनचैन उड़ा तो दिया, जल्दी से चल यहाँ से, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए यहाँ। अरे यहाँ से तो मैं जादू से ही निकाल दूंगा। तो फिर जल्दी करना। अरे करता हूँ पादम पदोड़ी पद्दू।
अरे पहुँच गए लगता है हम। हाँ यार शिनचैन अब चलते जल्दी से अंदर। अरे पहुँच गए हम तो। हाँ शिनचैन अंदर भी आ गए हम, और एक काम करते जल्दी से ढूंढते अपना लास्ट अंडा। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, इसका मतलब चार्ल्स पहुँच चुका है यहाँ भी। तुमको तो जल्दी पता चल गया कि मैं यहाँ तुमसे पहले पहुँच गया। अरे शिट शिट गाइस, यहाँ से भागना पड़ेगा। नीचे देखता हूँ, नीचे तो सब ठीक है, एक मिनट कोई भी ठीक नहीं है। कहाँ भागोगे अब? एक सेकंड तेरे को बताता हूँ मैं भी। तोड़ो इस वाले शीशे को। कर लो मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। खैर तुमने शायद एक चीज ही देखी होगी कभी, इसके बारे में जानते हो तुम? ये क्या चीज है अब? इसे भी मेरे मुंह पे मारोगे? नहीं, इससे मैं ये फोड़ने वाला हूँ कांच, और नीचे कूदूंगा सीधा ऐसे। आजा शिनचैन जल्दी। अरे आता हूँ मैक्स भाई। हमें इससे बचना पड़ेगा और अंडा भी ढूंढना पड़ेगा गाइस, यहाँ तो सभी लोग मरे पड़े हैं। बिल्कुल सही बोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड गाइस, वो तो बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे भी भागना पड़ेगा तेज। गाइस एक काम करता हूँ, ऊपर भागता हूँ जल्दी इससे पहले कि आए भाई साहब। गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक काम करता हूँ, यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। अब वो आ ही रहा है पीछे, बस वो यहाँ ना आ जाए। एक सेकंड गाइस, सामने अंडा है, बहुत ही बढ़िया। अब इस अंडे को लेकर के जल्दी से भागूंगा यहाँ से। कहाँ भाग रहे हो? अरे वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक सेकंड, तुम इस अंडे को नहीं ले सकते, हटो साइड में। अरे भाई साहब गाइस, ये तो कब्जा कर रहा है अब। अब देखो मेरी खतरनाक शक्ति, इस अंडे की पावर्स कैसे खींचूंगा मैं। अरे तुम ये खाओ पहले, पूरी जान से खा दो। ये क्या किया तुमने? मेरी तो खटिया ही खड़ी हो गई। अरे वाह शिनचैन, तूने रोक लिया उसे अंडा ले जाने से। एक्सक्यूज मी, अब ये अंडा हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे पेनीवाइज, जल्दी से इसे ठीक करके मेरे अंदर डालो। बिल्कुल लो, अब देखो क्या होगा। अरे वाह, ये पावर्स तो कुछ अलग ही है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैक्स भाई दूर भागो जल्दी। हाँ यार शिनचैन दूर भागना पड़ेगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? ये क्या बन गया ये? अरे शिनचैन ये तो अलग ही तरीके का हेलचाउस बन गया। अरे हम इससे बचे कैसे? शिनचैन हमें यहाँ से बाहर भागना पड़ेगा। अरे मैंने जरूर कार तो तैयार कर रखी होगी, बस जल्दी से बाहर निकलता हूँ गाइस मैं। गाइस हम बाहर आ गए, और गाइस सामने एक कार खड़ी है। जल्दी से बैठो अंदर आके। अरे आयरन मैन रुको, मैं ड्राइव करूंगा। अरे ठीक है चलो, तुम चलाओ जल्दी, पर चलो जल्दी निकले यहाँ से। अरे मैक्स भाई ये तो पीछे आ गया। अरे शिनचैन ये तो पीछे पड़ गया। एक सेकंड गाइस, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। अरे थोड़ा जल्दी चलो मैक्स भाई, अब तुम लोग नहीं बच सकते। अरे मैक्स सुनो, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वहाँ से चलो, मैंने वहाँ पर कुछ तैयारी कर रखी है इसके लिए, ये वहाँ जाएगा तो पक्का मर जाएगा। समझ गया आयरन मैन, हमें क्या करना है। अरे आयरन मैन मेरे को जगह बताओ कहाँ पर है वो। अरे पर वहाँ पर ये थोड़ी पहुँच पाएगा फिर। अरे मैं उसे भी पहुँचा लूंगा अपने साथ, आप जगह तो बताओ। बताता हूँ, वो ब्रिज नहीं पड़ता, वो माउंट चिलियट के पास एक छोटा सा। ठीक है ले चलता हूँ। अरे मैं ही ले चलता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड हम तो आ गए वहाँ पर। अरे पर रुकने का टाइम नहीं है, वो भी आ चुका है यहाँ। अरे हाँ दिख रहा है वो मेरे को पीछे। एक सेकंड उसने भी हमें देख लिया। गाइस वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारी साइड। अरे आयरन मैन तुमने इंतजाम क्या किया है? जल्दी से यहाँ से पार करो इसे। ठीक है मैं करता पूरी स्पीड में पार, वो भी हमारे पीछे आ रहा है। पर मुझसे बच के नहीं भाग पाओगे तुम लोग। एक सेकंड, अरे नहीं मेरी तो हालत ही खराब हो गई, मुझे बाहर निकालो कोई। एक सेकंड गाइस, लगता है इसके अंदर पेनीवाइज फंसा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ निकाल के पीटते हैं उसे। हाँ सही कह रहे हो तुम, रुको मैं निकालता हूँ इसे। तुम लोगों ने बॉम्ब फोड़ के अच्छा नहीं किया। मेरी शक्तियाँ। एक सेकंड गाइस, इसकी ताकतें वापस नॉर्मल हो गई है शायद से। खैर गाइस ये दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ धो डालते हैं। सही कह रहे हो तुम एकदम आयरन मैन, मारो इसे आके। आता हूँ एक सेकंड, ये ले ये खा। हाँ बिल्कुल सही मारा आयरन मैन, ऐसे ही मारो। ये ले ये ले, ये भी खा, ये भी खा और ये भी खा। मेरे अंडे निकलने वाले हैं शायद। अब तुम लोगों का बहुत हो गया, अब तुम लोगों का मैं छोड़ने नहीं वाला बिल्कुल। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आग लग गई मुझ में। अरे आखिर इसे उड़ा कौन देता हर बार। अरे तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे तुम फिर से आ गए, तुम्हारा नाम क्या था वो? जॉन। हाँ डिटेक्टिव जॉन, इसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं, तीनों अंडे। अरे गाइस चूचू चार्ल्स के अंडे बाहर आने वाले, इससे पहले की पेनीवाइज ले, हमें उन्हें ले जाकर के यहाँ से भगाना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा अपने साथ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ अभी के अभी। अरे एक सेकंड, वो कहाँ चले गए? अरे उन्हें जादू आता है, वो ऐसे ही भागते हैं। हाँ तुमने देर कर दी। खैर तुम गिरफ्तार कर भी लेते तब भी कुछ नहीं हो पाता। अरे यार चूचू चार्ल्स को ले गया अपने साथ। अरे पर वो देखो पीछे। पीछे देखो, एक सेकंड एक सेकंड गाइस, यहाँ पर अंडे हैं। अरे हम तीन अंडों का करेंगे क्या? शिनचैन जहाँ तक मुझे पता है वो उसे वापस से चूचू चार्ल्स को देने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें इन तीनों अंडों को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा अब की बार। वो यहाँ से वैसे भी 30 दिन बाद वापस जाने ही वाला था। एक सेकंड अचानक से बादल छा गए। अरे वो इन तीनों अंडों की वजह से। अच्छा मैं समझ गया। खैर शिनचैन अब इन अंडों को सही जगह संभाल करके रख देंगे। तो गाइस आप मेरे को कमेंट से बताना कि आखिर इन तीन अंडों का करी क्या, इनसे कोई पावर बनाए या फिर इन्हें इस्तेमाल करे किसी अच्छी चीज के लिए। हाँ गाइस आप बताना जरूर। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।